हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो कल एमसीक्यू सॉल्व किया था टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच, उसी को रिपीट करने जा रहे हैं। क्योंकि कई दोस्तों की, कई स्टूडेंट्स की कॉल आई कि ये जो लेक्चर है आप रिपीट करें और थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दें। तो इसलिए आज मैंने उसी एमसीक्यूज़ को दोबारा चूज़ किया है, उसी एमसीक्यूज़ को आज हम डिटेल के साथ दोबारा पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है? इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, सोनिया ऑलवेज स्पेंड 12 रुपीज़ ए वीक ऑन आइसक्रीम। वी कंक्लूड डैट इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, इसका मतलब ये है कि प्राइस चेंज हो या ना हो, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, इसका सोनिया के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी कि सोनिया ने 12 रुपये खर्च करने ही करने हैं, प्राइसेस चेंज हों या ना हों। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ईडी इज इक्वल टू 0, ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, द लॉ ऑफ डिमांड हैज़ बीन वायलेटेड। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फोकस कर रहे थे ईडी इज इक्वल टू 0। ईडी इज इक्वल टू 0 वो कह रहे थे कि जब एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहे, प्राइसेस चेंज हो रही है, तो इलास्टिसिटी 0 होनी चाहिए। इधर एक्स डिमांड चेंज हो रही है बट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहे, वो कंफ्यूज हो रहे थे कि ये एक्सपेंडिचर चेंज हो रहे हैं या डिमांड। ये वाजे लिखा हुआ है इधर, सोनिया ऑलवेज स्पेंड, ये उसके एक्सपेंडिचर हैं। तो जो मैंने चूज़ किया था इसका करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन 1 था। हिंट मैंने दिया कि मेजरिंग इलास्टिसिटी विद एक्सपेंडिचर अप्रोच, टेबल के ज़रिए समझाया। आज ये टेबल में मैंने फार्मूला भी ऐड किया है। टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो प्राइस आपके पास क्या है? 4 है। डिमांड फ़र्ज़ कर रहा हूँ 3 है। टोटल एक्सपेंडिचर कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 हो गए। प्राइस कम हुई, डिमांड में इजाफा हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर उतने के उतने ही हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। प्राइस एक 4 रहे या 3 हो या चेंज ना भी हो, 4 पे ही रहे, एक्सपेंडिचर मेरे कितने हैं? 12 के 12 ही हैं। ये इसका आंसर मैंने जो निकाला था वो ED1 था, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमने पढ़ा है कि प्राइसेस चेंज होने के बावजूद अगर आपके एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं तो आपकी जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 होगी। ये नया टेबल मैंने बनाया है, इसमें सिर्फ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप मैंने शो किया हुआ है। यानी कि प्राइसेस चेंज हो रही है पर टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहे। टोटल एक्सपेंडिचर अप्रोच में हमने पढ़ा है कि अगर प्राइस कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर आपके बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। प्राइसेस कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो इधर सीन क्या है? इधर ये है कि प्राइसेस कम होने के साथ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हैं। स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं दोबारा। इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, सोनिया ऑलवेज स्पेंड 12 रुपीज़ ए वीक, यानी कि उसके एक्सपेंडिचर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे इरिस्पेक्टिव प्राइस, प्राइस चेंज हो या ना हो। अब इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं हम। पहले स्टेटमेंट आ गई, अगेन वही इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हैं। टेबल है जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया है। ये नीचे डायग्राम है, एक्स एक्सिस के ऊपर प्राइस है, वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड है, वाई के ऊपर प्राइसेस हैं। प्राइसेस 3 है, डिमांड 4 है। इसका जो डिमांड कर्व बनेगा सेम वही नेगेटिव स्लोप बनेगा जैसे हम बनाते हैं। आपको ये डिमांड कर्व भी देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा इसकी इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, क्योंकि जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही डिमांड में आ रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन चेंज है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो के कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसकी जो इलास्टिसिटी है वो 0 होनी चाहिए, प्राइस चेंज बट क्वांटिटी रिमेन सेम। प्राइसेस चेंज हो रही है बट क्वांटिटी क्या है? सेम है। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस,
वर्टिकल इसका हमारे पास डिमांड कर्व बनेगा, प्राइस क्वांटिटी 4 है, प्राइस 3 और 4 है। तो जिस तरह की सिचुएशन है, प्राइसेस चेंज हो रही है और क्वांटिटी सेम है, पर जो क्वेश्चन पूछा गया उधर क्वांटिटी सेम नहीं है, उधर एक्सपेंडिचर सेम है। तो अगर आपके पास क्वांटिटी फिक्स दी गई हो रिस्पेक्टिव टू प्राइस, तो फिर हम कहेंगे कि इलास्टिसिटी हमारी ज़ीरो के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर प्राइस इन्फिनिटी हो इलास्टिसिटी, उसमें क्या सीन होगा। उसमें आपके पास प्राइस सेम रहेगी, पर आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होगी। जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको, ये प्राइस आ गई वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्वांटिटी प्राइस 4, 3 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी है, ये कर्व ड्रा किया। तो इधर जब आपकी प्राइसेस सेम रहे, डिमांड में क्या होता रहे, इजाफा होता रहे, इधर आपकी प्राइस कांस्टेंट है और इधर हमारी जो वो है, इधर हमारी प्राइस सेम है और इधर हमारी क्वांटिटी सेम है। जब क्वांटिटी सेम है रिस्पेक्टिव टू प्राइस, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू ज़ीरो है। अगर प्राइस सेम है और क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।